इस मॉड्यूल में हम लेसर इनवर्टिब्रेट्स के ग्रुप लोफोफोरैड्स को डिस्कस करेंगे ब्रेंकियोपोडा एक्टोप्रोक्टा फोरोनिड्स दे ऑल कम अंडर दिस ग्रुप व्हिच इज नोन एज लोफोफोरैड्स लोफोफोरा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स लोफोस मींस टफ्ट और क्रेस्ट और फोरॉन का मतलब है बियर यानी ये एनिमल्स जो है अपने माउथ के इर्द-गिर्द जो है अपने सरकमफेरेंस में They will bear a tuft or crest like structure, or usse normally their body looks circular or U shaped ridge, which is present on one or two rows of ciliated hollow tentacles. to have structure that is always open outside the lophophores. Lophophores they are also having a food collecting organ and. फॉर दी गैस एक्सचेंज सरफेस कैन बी यूज सेंसरी सेल्स भी प्रेजेंट हैं सेंसरी सेल्स जो हैं दे आर रिसेप्टिव टू दी केमिकल्स एंड टच और दी सेल्स जो हैं दे आर कंसंट्रेटिड ऑन इट्स टेंटिकल लोफोफोर्स कैन यूजली बी एक्सटेंडेड फॉर फीडिंग एंड फॉर प्रोटेक्शन all Lophophores they are not free floating organism or free swimming organism normally they are having sessile or sedentary filter feeding and they usually have a u-shaped digestive tract a common feature in sedentary animals they live in a secreted chitinous or calcareous tube as in detourious terms there these phyla they are also having a type of cleavage which is known as radial cleavage in embryonic development and a coelom that is divided into different compartments as in protosomes the embryonic mouth forms in the region of blastopore or recent biological investigations or studies through the sequencing of dna they have इसका पहला है ब्रेंकियोपोडा। ब्रेंकियोपोड्स जो है कंबीनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स ब्रेंकियोन आर्म पोडोन्स फुट। यानी ये एनिमल्स जो हैंविंग सुपरफिशियल रिजेंबलेंस विद दाइवेल्व मुलस्क बिकॉज दे कैन हैल्केरियस आर कार्टनियस शेल और उस शेल के अंदर मेंटल है मेंटल यूजुअली पुट पुटसक्रीशंस डेट एंडक्लोज नियरली ऑल ऑफ द बॉडी अनलाइक इसके अंदर मोलस में तो राइट right शेल है लेफ्ट शेल है लेकिन ब्रेंक्यो के अंदर हम कह देंगे कि राइट right और लेफ्ट की बजाय डॉर्सल और वेंट्रल शेल्स जो हैं वो मौजूद हैं मस्कुलर फिल्टर फीडिंग विद गिल्स जबकि ब्रेंक्यो जो है They use a lophophore. Brachiopods are commonly also known as lamp shells because they show their morphological resemblance with the old Roman oil lamps. They are exclusively uh, marine animals, they live from the tidal zone to the edge of continental shelves about 200 meter deep. अब ये फाइलम जो है दे कंटेन 300 लिविंग स्पीशीज इन द आर्टिकुलेटा दो इसके वाल्वस है दे आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड देर इज आल्सो अ अंक दैट इज यूज्ड फॉर इंटरलॉकिंग द शेल्स जो इसके अंदर जो इन आर्टिकुलेट है दे हैव अनहिंक वाल्वस दैट आर कंपोज कैल्शियम फासफोर्ट एंड दे आर हेल्ड टूगैदर ओनली विद द हेल्प ऑफ मसल्स मोस्ट मेंबर्स जो क्लास ब्रैंकोड्स के हैं दे हैव अ अटाक्ट पेडिसल दैट यूजुअली अटैचेस टू द हार्ड सरफेस कुछ एनिमल्स जो के लोफोफोर्स में लिंगुला हैं दे हैव अ मस्कुलर पेडिकल यूज फॉर बरोइंग एंड एंकरिंग इन मर्ड आर सैंड अब इसके अंदर लोफोफोर्स जो के हॉर्स शू शेप्ड होंगे इन दीरियर मेंटल कैविटी दे आल्सो बियर लॉन्ग सिल्रक्चर नोन एज टेंटिकल्स टेंटिकल्स आर यूज इन फीडिंग एंड इन रेस्पेरेशन आल्सो सिलिया जो हैं दे आर हेल्पफुल इन क्रिएटिंग इन बीटिंग एंड क्रिएटिंग वाटर करेंट्स मेनली इसके थ्रू जो है ऑर्गेनिक डेट्रस एंड एल जी देट कैन बी टेकन एज अ फूड एंड पुट इन टू द माउथ ऑफ द लोफोपोर्स फिर इसमें सोलिट्री डायोशियस ब्रैंक्योपोर्स जो हैं दे रिप्रोड्यूस बाई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय रिलीजिंग गैमट्स फ्राम द गोनेड्स इन टू द मेटासिल एंड डिस्चार्जिंग दैम इन टू द वॉटर बाय द नेफ्रीडिया फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी और इसमें नॉन फीडिंग सिलिएटिड फ्री स्विमिंग नार्वा जो है दैट विल बी प्रोड्यूस दिस विल आफ्टर सम टाइम सेटल इट सेल्फ अटैचिंग टू सबस्टेटम एंड विल डिप इन टू द अडल्ट अब डिवेलपमेंट जो है इसकी दैट इज सिमिलर एज टू दैट ऑफ द डिट्यूरियस टोम विद रेड मिट्री मोस्ट इक्वल होलोब्लास्टिकलीवेज एंड एंटीरोलोम फॉर्मेशन फिर इसमें इन आर्टिकुलेटा के अंदर जो जूवीनाइल्स हैं They are usually small branchiopods with coiled pedicle in the mantle cavity. Iske is there is no metamorphosis the juvenile stage jo hai after floating. This settles to the bottom, the pedicle jo hai, this attaches to the solid object and adult existence now begins. This is normally the diagram of the lophophore. Here you can see Lophophoral tentacles. This is the mouth. Buccal cavity, pharynx, esophagus, cardia or gizzard, cecum. There is a proper digestive system and lophophores by living in water they use their tentacles both for feeding and respiration.